हार के बाद श्री संत ने दिनेश कार्तिक को लेकर कह दी ऐसी बात। ट्विटर पर मच गया बवाल। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वें सीजन में KKR के कप्तान दिनेश कार्तिक का बला अब तक खामोश है। टीम यहां मैच तो हार ही रही है, लेकिन कप्तान के न चल पाने के कारण टीम और दबाव में है। कल दिल्ली के खिलाफ हार मिलने के बाद अब दिनेश कार्तिक को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। टीम इंडिया के पूर्व पेसर श्री संत ने भी अब विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक पर हमला किया है। दिल्ली कैपिटल्स ने कल के मैच में 229 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था और ऐसे वक्त में अपने गेंदबाजों को गाइड करने में कार्तिक पूरी तरह असफल रहे। इसके बाद बल्लेबाजी में भी वो मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जब वो आउट हुए उस दौरान टीम को 10 से ज्यादा रन रेट की जरूरत थी। इससे पहले के मैचों में भी उन्होंने 1 और 0 रन बनाए थे। 6 ऐसी हो सकती है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, ये खिलाड़ी हो सकते हैं शामिल। ऐसे में इस हार के बाद श्री संत ने उन पर हमला बोला है। श्री संत ने कहा है कि इस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड कप विजेता गेंदबाज ने ओयन मॉर्गन को टीम का कप्तान बनाने की राय दी है। श्री संत ने ट्वीट कर कहा कि ओयन मॉर्गन को यहाँ टीम की कमान संभालनी चाहिए, वो एक वर्ल्ड कप विजेता कप्तान है। मुझे उम्मीद है कि KKR इस पर गौर करेगा। उन्हें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो रोहित, विराट और धोनी की तरह फ्रंट से लीड करें। कल के मुकाबले में पहले तो कोलकाता के गेंदबाजों ने कमाल नहीं किया, लेकिन बल्लेबाजी में राहुल त्रिपाठी और मॉर्गन एक वक्त टीम को जीत की दहलीज पर ले आए थे, लेकिन अंत में दोनों के विकेट गिर गए और टीम हार गई। त्रिपाठी ने 36 और मॉर्गन ने 44 रन बनाए।